वर्षा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ दही से बनने वाली इंस्टेंट चटनी, बेहद शानदार, स्वादिष्ट और लाजवाब चटनी जो 2 मिनट में आप बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दही से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इंस्टेंट तभी की तभी मिल सके। जब भी मेरी कोई नई रेसिपी शेयर होती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी, और अगर ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दही की चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया, ये ऑप्शनल है, सिर्फ पुदीने की भी बना सकते हैं, और ये पुदीना। नींबू चाहिएंगे आपको, नींबू का जूस ये मैंने निकाल लिया है, 1 या 2 नींबू का जूस जिस तरह आपकी चटनी की क्वांटिटी हो। अदरक और हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ी सी चीनी, काला नमक, सफेद नमक, और अगर तीखा ज्यादा पसंद है तो लाल मिर्च, और छौंक लगाने के लिए राई और हींग। जी हाँ, सिर्फ इतना सा ही सामान चाहिए और दही की इतनी चटपटी आपको चटनी बनकर दिखाई देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और इसको चटनी को हम खाएंगे डोसे के साथ। जी हाँ, डोसे के साथ खाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने रात को चावल, ये टूटा चावल लेते हैं हम लोग, साबुत चावल भी ले सकते हैं, 4 भाग चावल के और 1 भाग उड़द की दाल, 4 भाग चावल के और 1 भाग उड़द की दाल, इन दोनों को अलग अलग भिगो दिया रात को। भिगोने के बाद इनको पीस लिया सुबह, और 5 बजे के करीब पीसा था, 5-6 घंटे हो चुके हैं इसको पीसे हुए, और इस तरह का पेस्ट बन जाता है, ये पेस्ट बन जाता है। अभी थोड़ा ये गाढ़ा है, इसको पतला करा जा सकता है, और इसके हम डोसे बनाएंगे। डोसे के साथ ये दही की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। अदरवाइज आप इसको चावल के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं और परांठे के साथ भी खा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, दही की चटनी के लिए मैंने इसमें धनिया, पुदीने के पत्ते, 4 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, नींबू का रस, जरा सा काला नमक, जरा सा सफेद नमक डाल दिया है, और अब मैं इसको पीस लूंगी, जरा सा पानी डाल दिया। देखिए फ्रेंड्स, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और नमक, नींबू का रस डालकर इसको हमने पीस लिया है और ये पेस्ट बन गया है, और दही को हमने बिलो लिया है ताकि ये इसकी स्मूथनेस बने रहे। अब जितनी आपको चटनी बनानी है उतना दही लेंगे, करीब 1 कटोरी दही मैंने लिया है। अब इस पैन को गरम करके इसके अंदर 1 चम्मच घी डालेंगे, घी डालकर इसमें थोड़ा सा राई, साबुत राई काली, और थोड़ा सा हींग। हींग इसलिए डालेंगे, इसमें हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इस चटनी में हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब दही में ये वाला पेस्ट मिला देंगे हम, ये जो हमने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, नमक और नींबू का रस मिलाया है, ये वाला पेस्ट इसमें डाल देंगे दही में। ये देखिए ऐसा लगता है, ये इसको ऐसे मिलाना है, और ये जो छौंक बन के तैयार हुआ है इस छौंक को इसमें मिला देना है। ये आपकी बेहद चटपटी चटनी बनेगी। इसमें स्वाद अनुसार थोड़ी सी चीनी भी डालनी है आपको, 1 चम्मच, 1.5 चम्मच चीनी डालनी है, खट्टी मीठी चटनी बनेगी। और उसके बाद ये जो छौंक बनाया है हमने, ये छौंक डाल देंगे हम इसमें, ये देखिए, ये देखिए, और इसको घोटना नहीं है, इसको बस हल्के हाथ से हल्का हल्का मिला देना है, इस तरह का इसका टेक्सचर आता है, और इसकी बेहद अच्छी खुशबू आती है, बहुत सुगंधित खुशबूदार चटनी बनती है ये, बहुत आसान है, बहुत टेस्टी है, और कितनी सारी चटनी आपकी बहुत जल्दी इंस्टेंट और विद इन बहुत चीप रेट में बनती है। लेकिन इस चटनी का टेस्ट आप एक बार खाएंगे तो बार बार यही चटनी खाएंगे, और इसके साथ मैं बनाऊंगी डोसे, और वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अदरवाइज आप इस चटनी को परांठा या राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए चटनी, ये डोसे का बैटर जो हमने दाल को भिगोकर पीसकर बनाया हुआ था, ये अब फर्मेंट हो चुका है, और इसको हमने पैन में पोत दिया है, उसी में जिसमें हमने छौंक लगाया था उसी पैन में हमने ये डोसे बना लेने हैं। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। कुछ बूंदे घी या तेल की आप इसमें लगाइए और इसको पलट लीजिए। बेहद आसान शानदार रेसिपी है, आप जरूर बनाइएगा और जरूर खाइएगा। इन डोसे के साथ
ये दही की चटनी बेहद शानदार लगती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और एक इसमें छुपा हुआ पहलू है कि आने वाली मेरी अगली रेसिपी बेहद शानदार होने वाली है, लाजवाब होने वाली है, पूरी तरह से हिंदुस्तानी होने वाली है और गर्मियों के लिए बेहद फायदेमंद और स्वादिष्ट है। अगर उसको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।